हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। चलिए आज हम बनाते हैं मसाला पनीर। उसके लिए हमने यहाँ पर पनीर के पीसेस को कट करके रख रखा है और उसके बाद में मैंने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करे हैं, जिसके अंदर मैंने दिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मिक्स किया है धनिया पाउडर। इस तरह से मैंने मसाले मिक्स किए हैं और उसके बाद में मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद में मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑरिगेनो, और इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है चम्मच से, चम्मच की सहायता से मिक्स करना है। इसको चम्मच के नहीं मिक्स हो पाएगा अच्छे से, और उसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच तेल मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। उन सबको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, जब भी इसमें मसाला चारों तरफ से लग जाएगा पनीर के। और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तवा गरम किया है और उसके ऊपर मैंने 2-3 चम्मच घी की डाल दी है। जैसे ही घी मेल्ट होता है, हम इसके ऊपर जो हमने ये पनीर मसाले वाले पनीर रख रखे हैं उसको हम इसके ऊपर इस तरह से एक एक करके पीस रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी अच्छी है और इतनी हेल्दी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको इस तरह की पनीर की रेसिपी पसंद है या आपको पनीर की सब्ज़ी खाना पसंद है, किस तरह से आप पनीर को खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह से हमने पनीर को जो इस तरह से रखा है, इसको हम चारों तरफ से सेकेंगे, तो इसको हम चम्मच की सहायता से या किसी की भी सहायता से हम इसको एक के बाद इस तरह से चारों तरफ से सेकते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें घी थोड़ा सा साइड में आ गया है, तो मैंने इसको इस तरह से साइड में ले लिया पूरे पनीर को और इसको इस तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तरह से हमने इसको लगा करके प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको दही के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से सर्व करें। मुझे दही और रेड चटनी के साथ पसंद है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ यूज़ किया है।